Welcome to this lecture. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayu. In this lecture, I will discuss about Gauss law application, part 2. Part 1 में हम लोगों ने एक spherical symmetry को discuss किया था और इस lecture में हम लोग बाकी की जो दो symmetry हैं उसको cover करेंगे. सबसे पहले Gauss law क्या है? किसी भी closed surface से गुजरने वाला electric flux enclosed charge के 1 upon epsilon naught गुना होता है. Means जो electric flux होगा phi equals to q enclosed divided by epsilon naught होता है. तीन टाइप की symmetric है. एक symmetric हम already discuss कर चुके हैं और दो symmetric को यहाँ पर discuss करना होगा. तीन symmetric कौन कौन सी है? First dimension के लिए होती है 1D. Means अगर कोई wire infinite length का है उसके आसपास electric field कैसे निकालते हैं. सेकेंड सिमेट्रिक टू डायमेंशन में होती है कि कोई भी इनफाइनाइट प्लेन सीट है उसके आसपास कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं. और तीसरी जो 3D होगी उसको स्फीयर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनफाइनाइट एक लेंथ का एक वायर है जिसमें प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. बट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले आप स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा कि तीन डायमेंशंस अलग अलग कैटेगरी की हैं, उसी के अकॉर्डिंग तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है. 1D के लिए अलग, 2D के लिए अलग और 3D के लिए अलग. 1D के लिए कैसे होता है? लैम्डा इक्वल्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी. 1D के लिए लाइन यूज करते हैं कि चार्ज और लेंथ, इन दोनों के रेशियो के हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं. इसको 1D कैटेगरी में रखा हुआ है. 2D कैटेगरी के लिए यहाँ पर चार्ज तो रहेगा बट 2D में हम लोग लेंथ यूज नहीं करते, यहाँ पर एरिया यूज करते हैं. तो उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया. और जो 3D में यूज करते हैं, जो हम लोग इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया, वहाँ पर चार्ज आता है और वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं. तो तीन टाइप की ही डेंसिटी होती है, तीन अलग अलग टाइप की डायमेंशन है और तीनों डायमेंशन में आप लोगों को गॉस जो थ्योरम है, जो लॉ है, उसको अप्लाई करके उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करना ये समझना होगा. तो इस एप्लीकेशन में आप देखते हैं एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है जिसमें प्लस क्यू चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके आसपास किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं? जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनानी होती है. यहाँ पर जो ये शेप बनी हुई है सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसी को गॉसियन सरफेस बोलते हैं. तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो सेम है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई इंटू एरिया, जितना भी एनक्लोज एरिया होगा गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा, और उस गॉसियन सरफेस ने कितने चार्ज को घेरा हुआ है क्यू एनक्लोज बोलते हैं, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. अब ये गॉसियन जो सरफेस है वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल के अंदर पूरा वायर को कवर किया हुआ है. तो जो भी इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो इस सिलेंड्रिकल से ही होता हुआ बाहर जाएगा. इसका जो एरिया होगा 2πRL होता है. गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का जो एरिया होता है 2πRL होगा. जो आर है इसकी रेडियस है और जो एल है वो लेंथ होगी. तो हम इसकी हेल्प से कैसे कैलकुलेट करें? ई इंटू 2πRL और इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. अब क्यू एनक्लोज हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ये कन्फर्म नहीं है कि कितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है. अगर ये कन्फर्म नहीं है तो यहाँ पर आपको डेंसिटी का कंसेप्ट लाना पड़ेगा, और डेंसिटी के लिए जो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होगा तो ये क्यू एनक्लोज कितना आएगा वो आप निकाल सकते हैं लैम्डा एल. तो इसलिए क्यू एनक्लोज को हम रिमूव करेंगे और डेंसिटी के फॉर्म में लेकर आएंगे लैम्डा इंटू एल. तो E इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πR एप्सिलॉन नॉट. तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक अनंत लंबाई का जो वायर है जिसमें प्लस क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए बाहर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका ये फॉर्मूला होगा. तो ये एक एप्लीकेशन कंप्लीट होती है. सेकंड, एक सीट है, इनफाइनाइट प्लेनर सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट होगी जिसमें प्लस क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस प्लेनर सीट के बाहर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सेम है गॉसियन
सरफेस आपको बनानी होगी, ये गॉसियन सरफेस बनी हुई है इस टाइप से, कुछ पोर्शन बाहर की तरफ होगा कुछ पोर्शन दूसरी तरफ होगा सीट के। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, जो फ्लक्स होता है क्यू एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना होगा, अगर कोई सीट है और ये सिलेंड्रिकल जो पोर्शन दिखा हुआ है ये एक अंदर की तरफ होगा एक बाहर की तरफ होगा, तो दो एरिया यहाँ पर आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है तो इस केस में एरिया भी इधर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर दोनों के केस में जो एंगल होगा ई और एरिया के बीच में वो जीरो होगा, तो कोस जीरो वन होता है, तो इसलिए ई ए आ जाएगा। अब सेकंड उधर की तरफ इस पोर्शन में आप देखिए कि जो सीट है वो दूसरी तरफ, जो लेफ्ट हैंड साइड है सीट का जो पोर्शन होगा, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा और एरिया दूसरी तरफ होगा, तो सेम केस में यहाँ पर भी एंगल आएगा ई इंटू ए हो जाएगा। तो ई ए प्लस ई ए इक्वस टू कितना चार्ज इसने कवर किया हुआ है, क्यू एनक्लोज को कैपिटल क्यू रखा हुआ है, और डिवाइड बाई एप्साइलन नोट, तो टू ई ए इक्वस टू। अब सेम क्वेश्चन होगा कि प्लस जो क्यू चार्ज था वो पूरी सीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट आपको निकालना इस जो क्वेश्चन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज होगा। तो अगर बहुत बड़ी चीज़ से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं तो वहाँ पर सेम डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होगा सर, ए चार्ज डिवाइड बाई एरिया। तो आप फिर से यहाँ पे जो चार्ज होगा उसको डेंसिटी से रिप्लेस करेंगे, जो चार्ज होगा उसको आप सिग्मा ए लिख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ई इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो मीन्स अगर कोई भी प्लेनर सीट है इनफाइनाइट एरिया के साथ, तो उसके आसपास अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा इंसुलेटेड सीट के लिए, तो वो हम इस टाइप से निकालते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल आपके पास है, कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल अगर हमने बोल दिया तो उस केस में जो सेल है, जो स्पेयर जो सर्किल बना हुआ है, उसमें सारा चार्ज उसकी आउटर लेयर पे होता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल बना हुआ है। कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल में यही होता है कि जो चार्ज होगा वो सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर कितना होगा और अंदर कितना होगा। बाहर निकालने के लिए तो बहुत आसान है कि आपने क्या किया, ई इंटू डी ए इक्वल्स टू ई, यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस होगी वो स्पेयर के फॉर्म में होगी, तो स्पेयर का जो एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, फोर पाई आर स्क्वायर होगा डिवाइड बाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर पूरा चार्ज, इसी के अंदर कोई चार्ज बाहर तो है नहीं, एक भी प्लस बाहर नहीं होगा, मिस क्यू एनक्लोज क्यू ही रहेगा, तो ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट जो ये इस केस में क्या होगा कि अगर आपको स्पेरिकल सेल कंडक्टिंग चालक अगर है स्पेरिकल सेल के अंदर आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब क्या होगा। अगर आप अंदर कोई किसी भी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है आर रेडियस के लिए। इस केस में इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज आप देखें, कोई भी प्लस चार्ज इसके अंदर नहीं है, और कोई भी प्लस चार्ज अगर नहीं है तो इस केस में जो क्यू एनक्लोज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारा चार्ज तो सरफेस पर है ना, तो अंदर तो सर्किल में कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है इस सर्किल का, इस स्पेयर में, हम सर्किल स्पेयर इसको बोल रहे हैं, कि इसका एरिया तो होगा कन्फर्म फोर पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, इससे कोई भी चार्ज घिरा हुआ नहीं, मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इससे निकलने वाला फ्लक्स कुछ नहीं है, जीरो है। और अगर चार्ज जीरो होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। तो कोई भी थिन स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल अगर हमारे पास है, तो उस केस में उसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।